हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे राहुल तेवतिया की अब तक की लाइफ जर्नी की। राहुल तेवतिया का जन्म 20 मई 1993 को फरीदाबाद हरियाणा में हुआ, जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म लेग स्पिनर हैं। उन्हें अगर ऑलराउंडर कहा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। राहुल के फादर बाय प्रोफेशन लॉयर हैं, जिन्होंने अपने बेटे को स्टार्टिंग से बहुत सपोर्ट किया और छोटी सी एज में ही राहुल को क्रिकेट के लिए प्रेरित किया। राहुल तेवतिया ने अपना डेब्यू 2013 में हरियाणा की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेलते हुए किया। उनका फर्स्ट मैच कर्नाटका के अगेंस्ट था, जहां पे तेवतिया ने 17 रन बनाए। उसके बाद राहुल ने 2016 और 17 में विजय हजारे ट्रॉफी के लिए खेला हरियाणा की तरफ से। ये था उनका डोमेस्टिक करियर। अब बात करते हैं आईपीएल जर्नी की। 2014 में राजस्थान रॉयल्स ने तेवतिया को 10 लाख में खरीदा, लेकिन राजस्थान की तरफ से उसको ज़्यादा मैचेस नहीं खिलाए गए। 2017 में आईपीएल में पंजाब ने 25 लाख में राहुल को खरीद लिया, वहां भी उसको ज़्यादा चांसेस नहीं मिले मैचेस खेलने में। 2018 के आईपीएल में दिल्ली ने तेवतिया को 3 करोड़ में खरीद के सबको हैरान कर दिया, और 2020 में वो फिर से राजस्थान की तरफ से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में राजस्थान वर्सेस पंजाब के मैच में उन्होंने अपनी दमदार बैटिंग से चलते सबके होश उड़ा दिए, जहां पर उन्होंने आईपीएल के एक ओवर में कॉटरेल को 5 छक्के मार के क्रिस गेल के एक ओवर में लगाए 5 छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। उस मैच की ताबड़तोड़ बैटिंग की वजह से आजकल राहुल तेवतिया हर जगह छाए हुए हैं और बड़े से बड़ा क्रिकेटर भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसके 5 छक्कों की बदौलत ये मैच राजस्थान ने अपने नाम किया। राहुल तेवतिया का इस पे कहना था कि वो बहुत सालों से क्रिकेट में हार्डवर्क कर रहे हैं और उसका सही फल उसको अब मिल रहा है। किसी ने सच ही कहा है, जो सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं उनके पास हर चीज़ किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाती है। राहुल तेवतिया के फेवरेट टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर हैं, जिन्हें वो अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। ये थी राहुल तेवतिया की बायोग्राफी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।